लेकिन मैं जो बोल देता हूँ जो मैं घोषित कर देता हूँ वो बदले नहीं जाते हो चुका है। चिंता करोगे, तो भी कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता और ये पूरा परिणाम जो है करतार सिंह बड़ाना के पक्ष में है अब ये तो मैं नहीं जानता कि वो क्या है लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि उनने जो घोषित किया है वही होगा और वो आम मतदाता के दिल में पहले से आ चुका कांग्रेस कैंडिडेट का यह कहना है कि अगर हम जीतते हैं तो विपक्ष मजबूत होगा अगर वो मजबूत होगा तो अब भी तो मजबूत था अब क्या कर दिया आपने मंगलौर के लिए या क्या विकास करा दिया और साठ साल से कांग्रेस की सत्ता नहीं रही है कि इनके पास सत्ता रही है ना उस टाइम क्या कर दिया अगर वो ये कहते हैं कि सत्ता तो सरकार भी तो रही है इन्हीं की एक पर्टिकुलर टाइम पे अभी रिसेंट हम दस साल नहीं हम दो दस साल से नहीं है था, लेकिन पंद्रह साल बीस साल तो इनकी रही है तब क्यों नहीं कर दिया तब भी ऐसा ही मंगलोर था अठारह साल पहले आया था जब भी ऐसा ही था आज भी बल्कि उससे बदतर हो गया रविंदर सिंह पनियाला जी ने बहुत सारी बातें कही थी पूरी बातें मैं रिपीट नहीं करूँगा बहुत सारी बातें कही थी उस पर इंडिकेशन बहुत सारे थे कि हम हम थोड़ा सा अपने वोट परसेंटेज बढ़ाएंगे फर्जी वोट घटाएंगे देखिए ऐसा ये तो कहेंगे ये तो मैं भी कहूंगा कि हम जो है गलत काम नहीं करेंगे और अगर सरकार के धक्का की धक्काबाजी की होती तो पहले भी हमारी सरकार थी हम पीछे पार्लियामेंट में अगर हम ऐसे ही करते तो उसमें नहीं जीत जाते हम हमें जब भी तो सरकार हमारी थी मंगलोर कभी बैंगलोर बन ही नहीं सकता ये उनका स्टेटमेंट मैंने जो शब्द निकाले हैं ना वो किसी के गले नहीं उतरते लेकिन क्योंकि जब साइंस आई ये टेलीफोन एक बार की मैं बात बताऊं कॉडलेस जो हमारा सेलुलर फोन आया है तो दुबई से एक सीरियल देख रहा था मैं तो उसमें वो बैठ के कहता है मैं लेट हो जाऊंगा जाम में फंस रहा हूँ खाना जरा बाद में बनाना तो मैं कह रहा था यार क्या मजाक दिखा रहा है ऐसा नहीं हो सकता अरे वो छः महीने बाद फोन आ गया अजी इनके पास बहुत पैसा है बहुत पैसा मतलब ऐसा इंडिकेशन है बहुत पैसा है बहुत पैसा ये तो खाएंगे नहीं इतने पड़े हुए हैं ये जो निधि आएगी निधि से क्या होगा मेरे पिताजी ने कोई राजनीति नहीं, नहीं की लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू से देश के राष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति से वो जब मैं बच्चा होता था तो उनसे मिलने जाते थे लेकिन हम तो एक किसान आम आदमी मेहनत करके कमाते राजा बन के उठाते दोस्तों आप सभी को नमस्कार मेरा नाम अखिलेश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क मंगलौर विधानसभा उपचुनाव अब ये चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है बिल्कुल हॉट सीट बनती जा रही है और हॉट सीट बनने का जो रीज़न है वो एक ऐसा कैंडिडेट जो आता है और आने के बाद चीज़ें थोड़ी सी बदलती चली गई भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र उस विधानसभा में लगा हुआ है करतार सिंह भड़ाना जी हमारे साथ हैं आपका स्वागत करता हूं मैं और आपसे सवाल ये करता हूं कि सबसे पहले आप हरियाणा से आप चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं फिर आप उत्तराखंड में आ, मंगलोर विधानसभा चूज करते हैं वो भी ऐसी विधानसभा जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आती नहीं है जल्दी जो पहले नहीं हुआ वही तो करना है युवा सरकार मोदी जी का आशीर्वाद जो आज तक नहीं हुआ उसी को लक्ष्य लेके तो चल रहे हैं कि जो आज तक नहीं हुआ अब करना तो ऐसा मतलब अभी ऐसा कौन सा समीकरण बदल जाएगा ऐसी कौन सी व्यवस्था बदल जाएगी कि जो है पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाएगा? मैं अठारह साल पहले आया था और तब भी बदल गया था क्योंकि लोग जो सम्मान करते हैं क्योंकि वो सम्मान चाहते भी हैं अठारह साल पहले दस हज़ार लोग मुझे यहाँ पे और मेरे फरीदाबाद जाके मिल चुके हैं हाँ, यहाँ से हाँ जी यहाँ से हाँ। अठारह में दस हज़ार लोग यहाँ से जाके वहाँ मिल चुके हाँ। और उनकी हमेशा ये इच्छा रहती थी कि भाई कोई ऐसा फिर से मेरा मन बने और मैं उनकी सेवा करने फिर आऊँ हाँ। उस टाइम में जो है कुछ ऐसे हालात हुए कि काजी जी कामयाब हो गए उसमें हाँ। और वो टिकट कट गया मेरा लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं मैंने सोचा था मेरा यहाँ का जो लेना देना था कर्ज़ चुकाना था शायद वो चुक गया लेकिन फिर मध्य प्रदेश चला गया राजस्थान चला गया हरियाणा तो फिर मुझे अब ये लगा कि वहाँ का कर्ज़ चुकाया है तो कहता ना कि जब चुका के जाना है तो हर के चरणों में तो जाना ही पड़ेगा तो मुझे लगा कि शायद अब मेरा यहाँ का कर्ज कुछ बाकी है वो कर जब तक नहीं चुकाऊंगा तो हर के चरणों से बहुत सागर पार नहीं कर पाऊंगा। जब मैंने आपके प्रोग्राम जो कवरेज किए कहीं भी आपने भाषण दिया संबोधन दिया वहाँ पर मैक्सिमम जो आपके शब्द थे वो कहीं ना कहीं वो ऐसे थे जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं धर्म से जुड़े हुए हैं और अधिकतर आपने अंत में ये ज़रूर बोला कि मैं चाहता हूँ यहाँ तर जाऊँ तो मतलब पॉलिटिकल व्यक्ति हम आपको क्या माने मतलब पॉलिटिकल व्यक्ति माने एक बिजनेसमैन माने चूंकि पूरा जो एटमोसफियर रहता है इस पर डिस्कशन होता है आप अध्यात्म की बात ज्यादा करते हैं कारण क्या है जो प्रभु को जान जाए वो कोई गलत और दूसरी बात कर ही नहीं सकता क्योंकि जाना तो उसी के पास है और जो हमने पहले कर्ज लिए वो तो अब हम चुका रहे हैं भाग भाग के अब कोई ऐसा कर्ज नहीं लेना चाहते कि जो दोबारा आना पड़े इसलिए क्योंकि मुझे ये ज्ञान नहीं है इतना कि भाई मैंने किस किस का कर्ज लिया है पूर्व जन्म में साधु बन के फ़कीर बन के यहाँ रहे होंगे और जै जैसे कि राजस्थान मध्य प्रदेश में गया वो भी हमारी जो है ना देवभूमि है वहाँ पे हमारे बहुत मंदिर हैं तो हो सकता है जब यहाँ रहते होंगे साधु बन के तो वहाँ पे कभी कभी दौरा लगता होगा मंदिरों पे तो वहाँ पे भी कर्ज उठाया होगा दस पाँच दिन रहे होंगे तो वो भी वहां का चुकाया है लेकिन आखिरी कर जो पूर्ण अपना पिछले जन्म का वो अब खाली यहीं का बाकी है ये लगता है मुझे क्योंकि जब आदमी चुनाव लड़ता है तो अक्सर वो डिस्कस करता है कि हमें तो वोट चाहिए मतलब वोट के इर्द गिर्द सारी बातें करता है जब उसने करना है वो करवा रहा है और मुझे ज्ञान है कि जो कुछ कर रहा है वो कर रहे परमात्मा कर रहा है पर सारा काम परमात्मा सब कुछ वो कर रहे हैं और वो कि दूर थोड़े ही रहते हैं यही तो है विराजमान हर मेरे भाई के साथी के विराजमान है वैसा ही मन बनाएगा जो उनको करना होगा तो मुझे ये पूरा ज्ञान है कि मुझे अब बंगलौर में झोपड़ा बनाना है और मैं मीटिंग में भी मैंने बोल दिया था कि अब मुझे वहां के जो मेरे अपने है, उनको यहाँ आना पड़ेगा जब कहते हैं ना भाव सागर पार करना होगा तो वहां के लोग यहाँ आएंगे यहाँ के मेरे जो अपने हैं वो मेरे साथ ले जाके मुझे भाव सागर पार कराए इनडायरेक्टली तो आपने साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ झोपड़ा बना रहा हूँ मैं है ना तो इनडायरेक्टली ये तय हो गया कि चुनाव जीत रहे हैं आप आपने मतलब सुनिश्चित कर लिया कि ये ये रिजल्ट आ रहा है नहीं वो तो है उसमें भी है क्योंकि क्योंकि उस, वो ईश्वरीय उसकी कुछ... मर्जी है क्या पता वो मुझे वैसे ही यहाँ रखना चाहते हो तो सेवा तो मैं बिगर बने भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरी पार्टी की सरकार तो हमेशा रहनी है और मैं जब तक जिंदा हूं जब तक तो सौ परसेंट रहनी है। आपके पार्टी की सरकार हमेशा रहनी है मतलब भाजपा सरकार हमेशा रहनी है हाँ जी बिल्कुल रहनी है अच्छा यही रीजन था कि आप चूंकि भाई अन्य दल से भी लड़ सकते थे अगर हम उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पर बसपा अगर एक, एक, एक बात है, मेरा मत, मकसद एम एल ए बनना नहीं है मेरा मकसद है अपने लोगों का जो काम जब तक नहीं हो सकता जब सत्ता आपके पास ना हो जब तक आपके पास मैं कितना भी काम करा लू तो मैं कितना करा सकता हूँ एक लिमिट होती है मेरी अपनी पर्सनल में तो लेकिन जब मेरी सरकार और दोनों सरकार का हो आशीर्वाद तो उस हल्के का होगा उद्धार हाँ चूंकि मैं इस विषय को लेकर के काजी जी से भी बात कर रहा था कि चूंकि पहले भी बात करता था जब वो विधायक थे और जब चुनाव पिछले 2022 हज़ार बाईस के लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जब सरकार अपोजिशन की होती है सत्ता दल में कोई विधायक नहीं होता है तो काम में थोड़ी सी इश्यूज़ आते हैं अभी मानते हैं इशूज़ आते हैं या नहीं आते हैं नहीं इशू मतलब काम हो नहीं पाता उतनी आसानी से नहीं काम सही काम तो हो पाता है जब भी अगर मैं अपोजिशन का भी हो ना तो मैं लड़के अपने लोगों का जो हक है वो तो मैं ले ही लूंगा लेकिन विशेष काम नहीं हो पाएगा जो मैं करना चाहता हूं ना जैसे मैंने आपको बोल दिया था कि मैं मंगलौर को बैंगलोर बनाने आया हूं तो मेरा मकसद खाली जबान से कहना नहीं है परमात्मा से भी कह रहा हूं साथ साथ कि ये करवा देना मतलब मैंगलोर बैंगलोर बनेगा हाँ जी सौ बनेगा दोस्तों ये आ... जो स्टेटमेंट है करतार सिंह बड़ाना जी का कि मैंगलोर बैंगलोर बनने वाला है हाईटेक सिटी बनने वाली है लेकिन जब मोंटी जी से बात हो रही थी तो मोंटी जी ने साफ तौर पर कहा ये तो होना होना नहीं है मंगलोर कभी बैंगलोर बन ही नहीं सकता ये उनका स्टेटमेंट है ये मैं खुद कहता हूं ये आज के दिन एक बहुत बड़ा मजाक लगता है मैंने जो शब्द निकाले हैं ना वो किसी के गले नहीं उतरते लेकिन क्योंकि जब साइंस आई ये टेलीफोन एक बार की मैं बात बताऊं कॉर्डलेस जो हमारा सेलुलर फोन आया है तो दुबई से एक सीरियल देख रहा था मैं तो उसमें वो बैठ के कहता है मैं लेट हो जाऊंगा जाम में फंस रहा हूँ खाना जरा बाद में बनाना तो मैं कह रहा था यार क्या मजाक दिखा रहा है ये ऐसा नहीं हो सकता अरे वो छः महीने बाद फोन आ गया मैंने कहा ये तो, तो वही है जब ये साधन बनेंगे और वो ऊपर वाले की कृपा आएगी तो वह बनने में मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वहाँ का हाउस सबसे बढ़िया है वो तो यहाँ बनेगा नहीं वो तो वहीं बनेगा देहरादून में लेकिन यहाँ की जो सहूलतें हैं वहाँ पे जो साधन है लोगों के पास रोजगार के साधन है हॉस्पिटल के साधन है कॉलेजों के साधन है सबसे बड़ा रोजगार वहाँ पे है तो इसलिए जो है वो चीज मतलब मंगलोर में रोजगार की व्यवस्था हो सकती है बढ़िया हो सकती है। मैंने एक बात कहा कि मैं पहले चार महीना अगर मालिक ने मुझे बनाया तो पहले चार महीने में एक हजार नौकरियां दूंगा तो एक सबसे बड़ी बात कि ये जो उपचुनाव हो रहा है दोस्तों इस उपचुनाव में मुद्दों की बात अगर देखी जाए अगर हम बसपा कैंडिडेट की और कांग्रेस कैंडिडेट की बात करें तो उनका ये कहना है कि भाई अगर कांग्रेस कैंडिडेट का ये कहना है कि अगर हम जीतते हैं तो विपक्ष मजबूत होगा लेकिन करेंगे क्या नेक्स्ट सेशन में क्या नहीं, नहीं, में नहीं, क्या क्या करने वाले ढाई साल करना विपक्ष मजबूत वो तो आज भी हो तुम अगर वो मजबूत होगा तो वो अब मजबूती में तुमने कुछ भी क्यों नहीं करा अगर वो मजबूत होगा तो अब भी तो मजबूत था अब क्या कर दिया आपने मंगलौर के लिए या क्या विकास करा दिया और साठ साल से कांग्रेस की सत्ता नहीं रही है इनके पास सत्ता रही है ना उस टाइम क्या कर दिया अगर वो ये कहते हैं कि सत्ता तो सरकार भी तो रही है इन्हीं की एक पर्टिकुलर टाइम पे अभी रिसेंट हम पंद्रह साल, साल बीस साल तो इनकी रही है तब क्यों नहीं कर दिया? तब भी ऐसा ही मंगलौर था अठारह साल पहले आया था जब भी ऐसा ही था आज भी बल्कि उससे बदतर हो गया पहले से और ज्यादा खराब हो गया तो मतलब आपको लगता है कि ये मुद्दों की राजनीति चल रही है या ऐसे ही बस हो रहा है कि बस आगे उपचुनाव हो रहा तो जब वो कुछ करने पे आए जब वो कुछ करने पे आता है ना दुनिया में कोई भी रोक नहीं पाता है तो उसने मेरी जनता ने ये मन बना लिया है क्योंकि किस तरह से है वो तो वो जानता है कि मुझे यहां सेवा करके जाना है और जब तक मेरा जीवन है ना इनके बीच में ही पूरा होना है। ये भी मैं आपको बता पिछले, पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो अठारह के आसपास वोट मिली थी और इसी अभी जस्ट लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में तो इसमें इक्कीस हजार वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली इस बार अभी देखने को मिल रहा है अगर मैं देख भी रहा हूँ कवरेज कर रहा हूँ तो इसमें मुख्यमंत्री धामी जी सांसद जी स्वामी जी तमाम ऐसे लोग कल का जो कार्यक्रम था मैं जानता अभी ये बताइए कि धामी जी स्वामी जी सब आ रहे हैं लेकिन जिसमें वो आया हुआ हो हाँ। तो वो व्यवस्था करके जाएगा पूरा मतलब जिसमें परम पता परम पिता परमात्मा स्वयं आया हुआ है जिस कार्य को करने के लिए उसको कौन रोक सकता है? है मतलब आपको लगता है कि अब एक बात मैं आपको बता दू <laughs> जब महाभारत हुआ तो बबरी ने कहा मां मैं युद्ध में जाऊंगा पर ये बता मां मैं किसकी तरफ से लड़ू तो माँ ने सोचा कौरव पांच है मतलब कौरव एक सौ एक है पांडव पांच है तो उन्होंने कहा बेटा जो कमजोर पड़ जाए उसकी तरफ से लड़ना उनसे पता था कि भाई पांडव कमजोर पड़ेंगे लेकिन उनको ये पता नहीं था कि वो कारण क्या बनना है तो उन्होंने कहा ठीक है वो चला गया आगे भगवान कृष्ण मिले कहते भाई बबरी कैसे आया कि दादाश्री युद्ध लड़ने आये हो तो युद्ध कैसे लड़ेगा किसकी तरफ रहेगा कि दादा श्री जो कमजोर पड़ेगा उसकी तरफ रहूंगा तो तेरे पे हथियार क्या है ये हथियार है ये तो एक बार चला दिया जो टारगेट कर दिया वो हिट कर दिया खत्म भगवान का और माथा घूम गया क्या लगा तेरा गुरु कौन है भगवान बोले तेरा गुरु कौन है क्या लगा श्री आप ही हो मैं हूं तो वचन भर वचन भर लिए तो भगवान ने सर मांग लिया कि मुझे अपना सर दे तो बबरी कहने लगा रीत सदा चली आई प्राण तो जाए पर वचन ना जाए पर मेरे दादा इतना तो बता मेरा कसूर क्या है तब तो भगवान उसे कहते कहते बबरी इस युद्ध का परिणाम मैं घोषित कर चुका इस युद्ध का परिणाम मैं घोषित कर चुका हूं और तू इस युद्ध को बदलने की ताकत रखता है हाँ। इस युद्ध को के परिणाम बदलने की ताकत रखता है अरे भाई बबरी मेरे घोषित परिणाम बदले नहीं जाते चाहे सर कितने कट जाए थोड़ा सा इसे हम मंगलोर की तरफ लेकर के आते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई इस युद्ध की युद्ध का परिणाम मैं घोषित कर चुका हूं अब ये जानने वाली बात है कि मंगलौर विधानसभा चुनाव का परिणाम किसने घोषित किया है प्रभु ने किया प्रभु ने किया और वो घोषित हो चुका है किसी के कुछ भी कर्म करने से ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं बदल अंतर नहीं, नहीं आना हाँ वो बदल नहीं सकता चाहे भगवान को कुछ भी करना पड़े भगवान मतलब ये है कि मतलब बबरी जैसे से कुर्बानी मांग ली सर कटा दिया वो परिणाम नहीं बदलने दिया उन्होंने कहा ना कि तू तो इस युद्ध का परिणाम बदल सकता है हाँ। इतनी ताकत है लेकिन मैं जो बोल देता हूं जो मैं घोषित कर देता हूं वो बदले नहीं जाते इसलिए सर कटाना पड़ेगा तो दोस्तों मतलब मैं ये मैं मतलब ये मान लूं और दर्शकों को ये बता दूं कि भाई परिणाम बिल्कुल घोषित हो चुका है ज्यादा चिंता करोगे तो भी कुछ नहीं होगा ना कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता और ये पूरा परिणाम जो है करतार सिंह बड़ाना के पक्ष में है अब ये तो मैं नहीं जानता कि वो क्या है लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि उनने जो घोषित किया है वही होगा और वो आम मतदाता के दिल में पहले से आ चुका है एक वो आदेश जब करते हैं ना तो पहले आदेश भी तो कर लेते हैं क्योंकि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं आम आदमी के दिलों में ये चीज़ आ चुकी है कि भाई हमें कहाँ के बदलाव करना है अब के बदलाव करना है और आप इस पूरे विषय को जो सुन रहे हैं वो क्या कुछ आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर जरूर देते रहिए और सबसे बड़ी बात है कि बंगलोर विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है इस उपचुनाव का परिणाम आ चुका है मतलब वो परिणाम अभी हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें होती हैं अभी वोटिंग करना है पूरा जो सिस्टम होता है पूरे सिस्टम को फॉलो करना है लेकिन करतार सिंह बड़ाना जी साफ तौर पर यह बात कह रहे हैं कि परिणाम ऊपर वाले ने घोषित कर दिया है और कुछ होना नहीं है और सारी चीज़ें लगभग लग लगभग लग लग। एक सवाल था जो कि बहुत से लोग हैं जो आसपास चर्चा करते रहते हैं बस छोटे थोड़े शब्दों में आप चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं एक बिजनेसमैन एक बिजनेसमैन अचानक मतलब पॉलिटिक्स अगर कर रहा है है ना अब आप, एक आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि भाई आप हाँ व्यापार कर रहे हैं व्यापार करते करते आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो वो चीज़ और एक और है मैं लोगों के पास गया लोगों ने ऐसे बोल दिया जी अजी इनके पास बहुत पैसा है बहुत पैसा मतलब ऐसा इंडिकेशन है बहुत पैसा है बहुत पैसा है, ये तो खाएंगे नहीं इतने पड़े हुए हैं ये जो निधि आएगी निधि से क्या होगा ये सारे स्टेटमेंट चल रहे हैं तो थोड़ा सा इसको इस, इस पर आप प्रकाश डाल दीजिए ताकि बहुत सारे जो सवाल है ना वो सवाल ऐसा है मैं एक किसान का बेटा हूँ मेरे पिताजी ने कोई राजनीति नहीं, नहीं की लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू से देश के राष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति से वो जब मैं बच्चा होता था तो उनसे मिलने जाते थे लेकिन हम तो एक किसान आम आदमी मेहनत करके कमाते हैं राजा बन के उठाते हैं मेहनत करके कमाते हैं और राजा बनकर करके उठाते मतलब मतलब मेहनत करके मेहनत के पैसे को खर्च कर देना बड़ा मुश्किल काम होता है लेकिन हम वो करते हैं पर क्यों कि उसका आदेश है वो देता ही इसलिए बांटने के लिए वो देता ही इसलिए बांटने के लिए और राजनीति की जहाँ बात है ना मैं राजनीतिक ना पहले था ना मैं अब हूं मैं पहले भी रोजगार करके सेवा करता था मैं आज भी वही मेरा पैटर्न है लेकिन कई बार कुछ जब बड़ा करवाता है तो वो मेरी कमाई की मेहनत से नहीं हो सकता अब जैसे मंगलौर का कुछ बड़ा कराना चाहते हैं तो, तो सरकार का सहयोग तो लेना पड़ेगा सहयोग चाहिए हाँ। तो उसके लिए मैं शायद वो परमात्मा मुझे भेजता है कि ये कार्य कर मैंने परमात्मा से ये मांगा हुआ है कि मालिक मेरे जो भी कर्ज है इसी जन्म में उतरवा लेना और इस दुनिया में दोबारा तो कर्म बंधन से मुक्त चाहिए मुक्ति चाहिए मुक्त कर देना फिर दोबारा इस दुनिया में मत भेजना थोड़ा सा और हम इसको आगे लेकर के जाते हैं और हमने प्रणव सिंह चैंपियन के स्टेटमेंट सुने जब कार्यक्रम हो रहा था धामी जी आए आपको लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें कही इंडिकेशन कहीं ना कहीं ये था कहीं ऐसा तो है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो कैबिनेट में जाना तय है थोड़ा सा बड़ा काम करने के लिए देखिए ये मैं नहीं कहता मेरा काम तो लोगों का तो जिसकी जरूरत पड़ेगी वो करेगा जब सारे काम ही उनने करने हैं तो जैसी जैसी मुझे सेवा करने के लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं लूंगा तो सही उनसे मांगूंगा तो सही और वो देंगे भी क्योंकि अगर मंगलौर को बेंगलोर बनाना है तो मैंने अब भी वही कहा था मुख्यमंत्री जी के सामने भी कि मेरा तो करम है सेवा करना नहीं कई बार क्या होता है कि दर्शकों को जब ये पता चल जाता है कि भाई हम हम विधायक नहीं चुन रहे हैं हम मंत्री चुन रहे हैं तो और थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं वो सकारात्मक चीजें जुड़ जाती है एक बात बताओ जब पहले आप अभी तो मैंने कहा कि जो निर्णय हो चुका है उसमें कोई क्या करेगा आ, तो वही देखिए आप तो Uh, काजी जी जो कांग्रेस uh, पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और मोंटी uh, जी जो चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से चुनाव का जो परिणाम है वो निश्चित हो चुका है आप पूरे संदर्भ को सुनकर के क्या कुछ आप कहना चाहते हैं आपको लगता है कि क्या परिणाम निश्चित है या उपचुनाव है तो उपचुनाव में थोड़ी सी रविंद्र सिंह पनियाला जी ने बहुत सारी बातें कही थी पूरी बातें मैं रिपीट नहीं करूँगा बहुत सारी बातें कही थी उस पर इंडिकेशन्स बहुत सारे थे कि हम हम थोड़ा सा अपने वोट परसेंटेज बढ़ाएंगे फर्जी वोट घटाएंगे देखिए ऐसा है ये तो कहेंगे ये तो मैं भी कहूंगा कि हम जो है गलत काम नहीं होने देंगे और अगर सरकार के की धक्काबाजी की होती तो पहले भी हमारी सरकार थी हम पीछे पार्लियामेंट में अगर हम ऐसे ही करते तो उसमें नहीं जीत जाते हम हमें जब भी तो सरकार हमारी थी तो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन पहले विधानसभा चुनाव में करतार सिंह बढ़ाना नहीं थे ना इस बार आए हैं हां तो मैं गांव में सबसे पहले यही कहता हूँ कि भाई वोट जिसे मर्जी देना लेकिन पोल पूरा कर देना अब मतलब कोशिश ये है कि वोटिंग परसेंटेज आपके बढ़ जाए और और बाकी विपक्षियों के वोटिंग परसेंटेज क्या हूं नहीं जितना वो करते हैं ना जितना पोल वो करते हैं हम भी उतना तो जरूर करें फिर डिसीजन हो जाएगा करेक्ट हो बात हाँ। क्योंकि पहले हमारा कम रह जाता है उनका ज्यादा होता है इस बार उम्मीद है कि हम उतना ही करेंगे और बढ़ भी सकता है हाँ ना को, कोशिश करेंगे उनसे फालतू करें एक मतलब जितना मेरा वो... कहना तो यह है देखो अब जनता क्या करती है ये अब तो उन पर डिपेंड करता है अगर उनमें उत्साह होगा अगर उसको पर्व मान के वो करेंगे क्योंकि ये कोई भी इलेक्शन होता है वो पर्व लोग उसको मेला समझ के करते हैं तो वो मेला में अगर उत्साह होगा तो परसेंटेज बढ़ जाएगा और जयंत चौधरी के आने से आ, हाँ वो भी पूर, पूरा बहुत बड़ा जो आर जो थोड़ी बहुत कहीं वो थी वो भी उनके आने से पूरी हो गई हाँ, क्योंकि आपने तो कह दिया परिणाम घोषित हो चुका है सारा कर्म ही सारे क्रियाकलाप ही हो रहे हैं उस परिणाम को आ, अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैंने जब मैं उस दिन आया था यहाँ पे जब मैंने बेंगलोर वाला उससे दो महीने पहले मैंने जिंदगी में दोबारा यहां आने के सोचा ही नहीं था लेकिन वो ले आए ना जबरदस्ती कोशिश नहीं छोड़ी कि मेरा टिकट कट जाए लेकिन इनकी कोशिशों के बाद भी और मेरी ज्यादा कोशिश ना करने के बाद भी उन्हें भेज दिया ना मुझे कोशिश किसने करी थी कि टिकट ना मिले आपको द, देखो ऐसा है मतलब जब एक मजबूत व्यक्ति होता है ना सामने तो दोनों धड़े ही करते हैं कि तीसरा आ जाए मतलब दोनों मिलके करते हैं मेरे को काटने मतलब का।, का प्रत्याशी और बसपा के प्रत्याशी आ, दोनों कर रहे ने कोशिश की, की कि ये ना आए और कोई आए क्योंकि मजबूत आदमी से कोई भी नहीं चाहता कि मेरे सामने आए और फिर ईमानदारी सबसे बड़ा एक और खेल है मैं आपको बताऊं जो उसकी आवाज है मैं ज्यादा तो नहीं पर छह करोड़ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं छह करोड़ लोगों को पर्सनली जानते आप और वो मुझे जानते हैं पर्सनली जब उनको ये पता लगता है ना कि करतार भडाना वहां पे मुझे तो पता नहीं है कौन कौन जो मुझे जानते हैं उनकी हर रिश्तेदारी है मुझे तो नहीं पता लेकिन जब यहां से आपकी आवाज जाएगी कि भाई करतार बनाना इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जिन भाइयों की भी यह रिश्तेदारी होगी यारी दोस्ती होगी कुछ मिलाप होगा वो वहां से चल के आएगा यारे हाँ मेरा और भी नहीं तो फोन करेगा वहां से कि जो रिश्तेदार है भाई जाके हाँ भाई उससे जाके मिलना और मेरी गारंटी है हर तरह की और वो जो है आपकी सेवा ही करेगा जब ये बात कहने के लिए लोग आते हैं ना वो इनको पता है हमारे कैंडिडेटों को भी पता है और वो जो है ना कई बार ये जो लोग आते हैं ना वही लोग मैंने आज तक किसी भी भाई को फोन नहीं किया है आ करके हमारा सपोर्ट हाँ, करो सपोर्ट करो क्योंकि मुझे ये नहीं पता वो क्या पता ये अब देखिए परमात्मा और पॉलिटिक्स <laughs> दोनों चीजें जुड़ी यहां पर पूरे इस इंटरव्यू को सुन करके आप क्या कुछ कहना चाहते हैं जैसा इन्होंने कहा कि परिणाम सुनिश्चित है परिणाम तय हो चुके हैं उसे लेकर के भी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए दस तारीख की वोटिंग है मेरी तरफ से अपील है कि वोट देने जरूर जाइए सभी लोग जाइए आपने जो समय दिया हमें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू धन्यवाद तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए शेयर कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क